सब्सक्राइब करिए मनीष फॉर यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताता हूँ कि अपने ब्लॉगर ब्लॉग की मोबाइल से सेटिंग्स कैसे करते हैं। सिंपली फ्रेंड्स, आपको करना क्या है कि अपने ब्राउज़र में अपनी ब्लॉग ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, आप अगर आपकी स्क्रीन रोटेट नहीं है तो आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा साइड में। मेरी स्क्रीन रोटेट है तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ, उसके बाद मुझे एक सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा। तो ये वाला जो हमारा सेटिंग का ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ हमारी ब्लॉगर ब्लॉग की सेटिंग करने के लिए। सबसे पहले आपको ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग में बेसिक। बेसिक में आपको सिंपली मैं बताता हूँ कि आपको करना क्या है। आपका जो टाइटल है बेसिक्स में, आपको टाइटल मिल जाता है, उसमें आप अपना जो भी ब्लॉग का टाइटल है वो लिख दीजिए। जैसे मेरे ब्लॉग का नाम है मनीष फॉर यू, तो मैंने मनीष फॉर यू लिख दिया है। अब आपको मिलता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में वो लिखना है जो आप अपने ब्लॉग में, मतलब पोस्ट लिखने वाले हैं अपने ब्लॉग के बारे में, वो आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन कॉपी कर रखा है, तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ मेरे ब्लॉग के बारे में डिस्क्रिप्शन जो भी है मेरा। चलिए, मैंने डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दिया है। तो चलिए अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। इस वाली ऑप्शन पर क्लिक करके सेव पर क्लिक कर दिया। तो अब सेव होने के बाद सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और आपको थर्ड ऑप्शन मिलता है प्राइवेसी का। प्राइवेसी में आपको सिंपली एडिट पर क्लिक कर देना है और एडिट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको ये जो एड योर ब्लॉग ऑन लिस्टनिंग, मतलब कि आप अपने ब्लॉग को सर्च इंजन में लाना चाहते हैं, तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो आप अगर यहाँ नो नो है, वैसे तो शायद ऑन रहता है, तो अगर नहीं है अगर आपकी ब्लॉग में, तो उसे इन दोनों को यस कर दीजिए। तो चलिए हम इसे यस कर देते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो फिर उसके बाद आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद फ्रेंड्स, आपको सिंपली बस बेसिक्स में करना है। और एक और ऑप्शन को यहाँ पर मिल जाता है HTTPS। ये एक बहुत ही ज़रूरी है आपकी ब्लॉग की प्राइवेसी के लिए, जो कि आपको ब्लॉगर ने प्रोवाइड करी है। तो अगर यहाँ नो है तो आप इसे यस कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे यस कर देता हूँ। तो देखिए ये लोडिंग हो रहा है क्योंकि मैंने इसे यस कर दिया है। पूरी सेटिंग्स चेंज हो गई है प्राइवेसी की। अब फिर से हम देखिए फ्रेंड्स, आपको सिंपली अब इस पर कर देना है। तो आप ये यस हो चुका है HTTPS, और ये और आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाता है परमिशन में ब्लॉग ऑथर का। तो अगर आप किसी अपने फ्रेंड या किसी को भी ब्लॉग का ऑथर बनाना चाहते हैं, एडमिन बनाना चाहते हैं भरोसेमंद को, कि आप वो आपके ब्लॉग को एक्सेस करें, चलाए, उस पर पोस्ट करें, तो आप बना सकते हैं, पर ट्रस्टेड हो, क्योंकि आपको वो हटा सकता है, इसलिए आप सोच समझ कर बनाएं। और तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी बेसिक्स। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स सेकंड ऑप्शन में, पोस्ट कमेंट एंड शेयरिंग में। तो चलिए मैं इसकी सेटिंग्स बताता हूँ क्या करना है इसमें। सिंपली फ्रेंड्स, आपको शो एट मोस्ट दिख रहा है इसमें, इसका मतलब ये कि आप अपने ब्लॉगर के होम पेज पर, अपनी वेबसाइट के होम पेज पर कितनी पोस्ट शो करना चाहते हैं। तो मैं तो 7 ही करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट मेरी होम पेज पर शो करे, तो 7 ही रह देता हूँ मैं। अब आपको करना क्या है, शो केस इमेज इन लाइट बॉक्स। अगर ये यस है, अगर आप अपने मतलब जो अपनी इमेजेस है उनको लाइट बॉक्स में अगर आप दिखाना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, वरना अगर नो कर सकते हैं। आपको सिंपल इमेज दिखानी है, एक आपको अंडरलाइन मिलेगी आपकी इमेज पर अगर आप यस करते हैं, तो मैं यस ही रहने देता हूँ उसे। और आपको कमेंट लोकेशन के में, अगर आप जो भी लोकेशन अपनी डालना चाहते हैं, तो मैं चलिए मैं बताता हूँ कमेंट में क्या करना है। आप चाहते हैं कि अगर आपके ब्लॉग पर फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है एनीवन, तो आप अगर इसे ऑन करते हैं तो कोई भी आपके ब्लॉग पर पोस्ट कर सकता कमेंट कर सकता है विदाउट किसी आईडी के। और सेकंड ऑप्शन है रजिस्टर्ड यूज़र। इससे क्या होता है कि जैसे कि कोई भी ब्लॉगर आपको मतलब किसी भी मतलब ईमेल या वगैरह से कनेक्ट करके आपके ब्लॉग पर कमेंट कर सकता है। और थर्ड ऑप्शन मिल जाता है ये वाला, इस पर मिल जाता है यूज़र विथ गूगल अकाउंट, मतलब कि सिर्फ वो गूगल प्लस के अकाउंट से ही कमेंट कर सकता है। और फोर्थ ऑप्शन मिल जाता है ओनली मेंबर ऑफ दिस ब्लॉग, ये वाला ऑप्शन, तो सिर्फ आपके ब्लॉग का ही मेंबर कर सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा रजिस्टर यूज़र इंक्लूड ओपन आईडी, जो ऑलरेडी यहाँ पर है उसे ही रहने दीजिए, क्योंकि ये सही है। इससे आपके जो कमेंट्स है वो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका सही रहेगा। और जो इसके बाद कमेंट मॉडरेशन में मिल जाता है, तो आप इसे नेवर ही रहने दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। और शो वर्ड वेरिफिकेशन, अगर आप चाहते हैं कि आपके पोस्ट करते समय आपको वेरिफिकेशन, मतलब बंदे को वेरिफिकेशन, जो कमेंट करने वाला है उसको वेरिफिकेशन आए, तो यस कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर यस कर रखा है, तो आप यस कर लीजिए अगर आप चाहते हैं, अगर आए तो। अगर आप चाहते हैं कि वेरिफिकेशन ना आए, तो नो रहने दीजिए, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है इसमें।
तो फ्रेंड्स ये थी पोस्ट कमेंटिंग एंड इसके बारे में था। इसमें बाकी और कुछ इतना मेन चीज़ें नहीं है, सिर्फ आपको इतनी करनी है। पोस्ट कमेंटिंग एंड शेयरिंग के बाद हम चलते हैं ईमेल में, ईमेल सेटिंग कर लेते हैं। चलिए ईमेल सेटिंग में आपको सिंपली फ्रेंड्स करना क्या है, यहाँ पर आप अपना सीक्रेट कोड डाल सकते हैं जो किसी को ना पता हो, तो ताकि इससे क्या होगा, जैसे कि अगर आपको कोई पोस्ट यहाँ पर भेजता है तो आप यहाँ पर ऑप्शन क्या है, देखिए सेव ईमेल ड्राफ्ट वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आपके ईमेल पर कोई पोस्ट भेजता है तो डायरेक्ट पोस्ट ना होकर आपको ड्राफ्ट में सेव हो जाएगी। तो यहाँ पर आप ऐसा कोड डाल दीजिए, जैसे कि आप यहाँ पर जो भी किसी को ना बताइए, तो चलिए मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक डाल देता हूँ, जो भी अपने मर्जी का है। और यहाँ पर इतना कोई खास नहीं है, बस इसको ये आपकी सिक्योरिटी के लिए कि आपको जो कोई पोस्ट अगर सेंड करता है तो उसमें आपकी सेव ड्राफ्ट हो जाए, तो आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं, सेव कर दीजिए। तो ये सेटिंग इतनी थी, इसे हमने सेव कर दिया। अब हम चलते हैं लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग में। लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग में चलने के बाद हमें फ्रेंड्स हमें सिंपली अगर आपकी जो ब्लॉग जिस लैंग्वेज में है आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, फर्स्ट वाले ऑप्शन में लैंग्वेज में, ये देखिए इस पर सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर आप जिस भी लैंग्वेज में ब्लॉग है वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए हमारी ब्लॉग यहाँ पर हिंदी में है, तो मैं हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने हिंदी सिलेक्ट कर ली। अब आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही ट्रांसलेशन का, टाइम जोन फ्रेंड्स जो है वो हमारा इंडिया का टाइम जोन यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट इसमें कोई करने का कोई मतलब नहीं है, तो ये सब सही सेटअप रहता है, बस आप टाइम जोन वैसे तो ब्लॉगर वाले ही सेटअप करके देते हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब हम चलते हैं सर्च प्रोफेशन में, सर्च प्रोफेशन तो ओके कर दीजिए। यहाँ पर प्रोफेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पर सब मेटा टेक्स में एक फर्स्ट वाला ऑप्शन मिलता है डिस्क्रिप्शन का, मेटा टेक्स में। तो आपको मेटा टेक्स में करना क्या है, एडिट क्लिक कर देना डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पर जो आपने वहाँ डिस्क्रिप्शन पेस्ट करा था उसे यहाँ पे पेस्ट करके सेव कर दीजिए, सिंपली सेव कर दीजिए। और यहाँ पर आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो सेव हो चुका है। और यहाँ पर आपको एरर्स एंड रिडायरेक्शन ये कोई इतना खास नहीं है, और यहाँ पर आपको कस्टम रोबोट टैक्स में आने वाली वीडियोस में इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, अलग प्रोटोकॉल, तो आप उसे देख सकते हैं। अदर पर जाइए, अदर पर जाने के बाद फ्रेंड्स जो ये आपको अदर का ऑप्शन मिल जाता है इसकी सेटिंग्स में आपको चलिए बताता हूँ। इम्पोर्ट एंड बैकअप में आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है इम्पोर्ट एंड बैकअप। इसमें आपको सिंपली करना क्या रहता है, अगर आपकी साइट कहीं आप सॉरी ब्लॉगर या कि ब्लॉग या साइट जो भी आप इसे और कहीं इम्पोर्ट करना चाहते हैं, चाहे तो वर्डप्रेस पर अगर फ्यूचर में जाना चाहते हैं, तो इम्पोर्ट यहाँ से अपनी जितनी पोस्ट है या अपना डाटा है वो इम्पोर्ट कर सकते हैं फर्स्ट वाले होगा। आपको डिलीट ब्लॉग का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से अगर आप अपनी ब्लॉग को डिलीट करना चाहते हैं तो इस पर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने ब्लॉग को डिलीट कर सकते हैं। अब आपको मिल जाता है अलाउ अलाउ ब्लॉग फीड, तो इसे अगर आप अलाउ कर लेते हैं तो फुल कर लीजिए क्योंकि ये सही है, शॉर्ट नॉन कस्टम्स तो ये फुल वाला सही है। यहाँ पर आपको पोस्ट फीड रिडायरेक्शन यूआरएल ये सब तो इतना कोई खास नहीं है, तो इससे कोई मतलब नहीं, इनकी सेटिंग से ये सब सही सेटिंग है। इनेबल टाइटल लिंक्स एंड ये कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है इनसे, ये सेटिंग्स आप रहने दीजिए क्योंकि ये सेटिंग्स ऑलरेडी ब्लॉगर करके देता हमें। अब आप हम आ जाते हैं यूज़र सेटिंग में, चलिए यूज़र सेटिंग में आ जाते हैं। यूज़र सेटिंग में आपको मिल जाती है यूज़ प्रोफाइल, आप किसकी प्रोफाइल यूज़ करना चाहते हैं अपने ब्लॉगर पर, तो आप जो भी अपनी प्रोफाइल यूज़ करना चाहते हैं ब्लॉगर या गूगल प्लस की, तो मैंने अपनी एक प्रोफाइल बना रखी है ब्लॉगर की, तो मैंने वो ऐड कर रखी है ब्लॉगर की, तो आप ब्लॉगर या गूगल प्लस यूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेज तो इंग्लिश, अगर आप ये अपने ये जो ये ETC ब्लॉग की लैंग्वेज है वो कौन से लैंग्वेज में रखना चाहते हैं, इंग्लिश में मैंने कर रखी है। इनेबल ईमेल नोटिफिकेशन, अगर आपके ब्लॉग पर कोई भी कमेंट वगैरह कुछ करता है तो आपको नोटिफिकेशन किस पर जाना चाहिए, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए इनेबल पर। सेंड फीचर्स अनाउंसमेंट एडवाइजर इन्फॉर्मेशन, सारी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन आपको आपकी ईमेल पर मिल जानी चाहिए, तो आप ये बस इस सेटिंग्स करके अपने ब्लॉग को एक अच्छा सा डिज़ाइन और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इससे क्या होता है कि आपकी ब्लॉग वो बहुत ही प्रोफेशनल बन जाती है आपको सेटिंग्स करने के बाद, और इससे ब्लॉग भी सही तरह से सर्च इंजन में आती है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, हमने आज की वीडियो में जाना कि हम अपने ब्लॉग की ब्लॉगर ब्लॉग की सेटिंग्स मोबाइल से कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करें, और फ्रेंड्स हमारी आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। आपने इस वीडियो को देखा, थैंक यू वेरी much